हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर चलाते समय किन-किन इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, इनपुट डिवाइस होता क्या है, इसके बारे में हम लोग आज के क्लासेस में एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले। तो चलिए सबसे पहले देखिए इसके बारे में बताया क्या जा रहा है। कहा जा रहा है इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइसेस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या इंट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। समझने की कोशिश करना। कहा जा रहा है इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा इंटरक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। जैसे आप, यह क्या है? माउस है। ध्यान दीजिए मेरे तरफ, क्या है? माउस है। और यह क्या है? कीबोर्ड है। तो ये कीबोर्ड जो माउस है, एक इनपुट डिवाइस है। अब बोलिए इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? अपने कंप्यूटर में किसी भी डाटा को इनपुट कराने के लिए। जैसे मान लीजिए हमको कुछ लिखना है, ए बी सी, या ए प्लस बी, या 2 प्लस 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वैसे डिवाइसेस को लाएंगे, वैसे डिवाइसेस को पकड़ेंगे जिसके सहारे हम लोग लिख सके, डाटा को इनपुट कर सके। डिवाइस मतलब उपकरण, ये उपकरण है, ठीक है ना? ये जो कीबोर्ड है, क्या है? एक उपकरण है। तो यह ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके सहारे हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं डाटा को। डाटा को इनपुट करने का मतलब कुछ भी, जैसे मान लो आपको कुछ लिखना है, कीबोर्ड ही लिखना है, तो कीबोर्ड से के जो दबाते हैं इनपुट कर रहे हैं, ई दबा रहे हैं इनपुट कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर अपने डाटा को भेज रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शन को भेज रहे हैं। तो यही बताया गया इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइसेस को रखा गया है जिनके द्वारा हम, मतलब हम चला रहे हैं कंप्यूटर को, और यह डिवाइसेस हैं, ठीक है, मतलब डाटा कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट करा सकते हैं। मतलब जब तक इनपुट डिवाइसेस ना रहे ना, तब तक हम डाटा इनपुट नहीं करा सकते कंप्यूटर, कोई काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कंप्यूटर को चलाने के लिए, डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस? तो इनपुट डिवाइसेस। मतलब जब तक इनपुट डिवाइसेस रहेगा नहीं, तब तक हम कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मेरे पास मॉनिटर भी है और मेरे पास सीपीयू भी है, लेकिन अगर माउस और कीबोर्ड नहीं है ना, तो हम कंप्यूटर में आसानी तरीके से काम नहीं कर सकते। मान लीजिए कुछ भी हमको लिखना है तो कीबोर्ड का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ भी ओपन करना है, क्लिक करना है, तो माउस का सहारा लेना पड़ेगा। अगर ये दोनों नहीं है तो हम आसानी तरीके से नहीं चला सकते। क्लियर है? तो चलिए उसके बाद से देखिए अगला बताया जा रहा है कि यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जैसे मान लो ये कंप्यूटर है और यह इनपुट डिवाइसेस है और हम यूजर है, मतलब कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट हम हो पा रहे हैं क्या? नहीं। किसके सारे कनेक्ट हो रहे हैं? जी डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस? कीबोर्ड और माउस के सारे। तो ये बोला गया है यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर, यूजर हम हो गए, कंप्यूटर मेरा यह है, ठीक है। यह डिवाइसेस कंप्यूटर यूजर को क्या करता है? आपस में जोड़ने का काम करता है। मतलब कंप्यूटर से हम आपस में जोड़ते कैसे हैं, कंप्यूटर से हम आसानी तरीके से बातें कैसे कर ले जाते हैं, वह सबसे पहले जरूरी क्या, कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइसेस। मतलब इनपुट डिवाइसेस नहीं, इनपुट का कीबोर्ड माउस, ये अलग डिवाइसेस। इस कौन सा है तो बताऊंगा। तो इतना समझिए, इस समय जो है हम चला रहे हैं, जो माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं इनपुट डिवाइस से, जो कीबोर्ड का इस्तेमाल है इनपुट डिवाइस से, या इनपुट डिवाइस नहीं, या इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा डिवाइस आगे डिस्कस करेंगे। मतलब इनपुट डिवाइसेस का मतलब जिस माध्यम द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे, निर्देश दे, आदेश दे, उसे हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। समझे ना? जैसे आप स्क्रीन टच मोबाइल चलाते हैं एंड्रॉइड, ठीक है, तो क्या करते हैं आप, स्क्रीन पर टच करते हैं। अगर टच ना करे तो काम करेगा क्या? ऑन कर दिया, कुछ करना है तो दबाते हैं ना, दबाते हैं तो उंगली से दबाते हैं तो इनपुट देते हैं। तो जो स्क्रीन जो टच दिखता है, तो जो टच स्क्रीन, वह इनपुट डिवाइस है। जिसे इनपुट करते हैं तो डाटा एंटर होता है, तब तो हमारा रिजल्ट निकल के आता है। समझे ना? इसी बोला गया है कि यह यूनिट कंप्यूटर और यूजर को आपस में जोड़ने का भी कार्य करता है। मतलब ना रहे तो कर पाएंगे क्या? चलिए वो टच स्क्रीन ना काम करे तो बतिया लेंगे, कहीं से कुछ कर कर पाएंगे? नहीं। जब तक काम नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में
फिर से समझाया जा रहा है आपको। अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है, अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर है जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम को ट्रांसफर करते हैं। समझना, मतलब जो भी कुछ हम लोग काम करते हैं, जो भी एबीसीडी जो भी कुछ लिखते हैं, वह इनके हार्डवेयर के सारे लिखते हैं। अब जो डाटा जो हम लोग इनपुट करते हैं, वो डाटा जाता है कंप्यूटर में सबसे पहले कहाँ जाता है, रैम में जाता है। किसमें जाता है, रैम में। रैम बोलो रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक मेमोरी है वो। मतलब जब तक रैम पे वो डाटा नहीं जाएगा तब तक रन करेगा नहीं, और रन करेगा नहीं कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते। जैसे आप फोन चलाती है ना, आप लोग फोन चलाते हो तो रैम करते हो ना, 2 GB रैम है, 4 GB रैम है। अगर रैम ना काम करे तो फोन चला पाएंगे, कंप्यूटर चला पाएंगे? तो यही बोला गया है कि सबसे पहले जब भी हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर से, कुछ भी डाटा इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो सबसे पहले कहाँ जाता है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जाता है, और मेन मेमोरी में सबसे पहले कहाँ जाता है, रैम पे। ठीक है ना, और रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर में जो भी हम लोग काम करते हैं किस पे काम करते हैं, रैम पे काम करते हैं। किस पे करते हैं, रैम पे काम करते हैं। और अगला है, यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर में समझने योग्य भाषा में बदल देता। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर से कुछ भी इनपुट करते हैं, मतलब यह डिवाइस उस भाषा में कन्वर्ट कर लेता है जिसको आसानी तरीके से कंप्यूटर समझ सके। क्योंकि कंप्यूटर जानते हो क्या समझता है, केवल 0 और 1 को। किसको समझता है, 0 और 1 को, बाइनरी डिजिट को समझता है। मतलब 0 1 के अलावा किसी को समझता ही नहीं है, केवल मशीनी भाषा को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो बताइए, हम तो 0 1 में सबको तो लिखेंगे नहीं, हर ABCD लिखना है, कुछ नाम लिखना, तो 0 1 में लिखेंगे नहीं। फिर भी 0 1 में कंप्यूटर को समझाता है। कैसे समझाता है, तो जो कुछ भी हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर उसको, मतलब जो कीबोर्ड है उसको कंप्यूटर के भाषा में चेंज कर देता है और कंप्यूटर को बता देता है। तो जब कंप्यूटर आसानी तरीके से मेरी बातों को समझ लेता है और आसानी तरीके से हम लोग काम कर ले जाते हैं। समझे, जैसे मान लीजिए हमको इंग्लिश आता है और आपको हिंदी आता है, बताइए हम इंग्लिश बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। आप हिंदी बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा है जिसको इंग्लिश भी आता है हिंदी भी आता है, तो हम बोलेंगे तो ट्रांसलेट करके आपको बता देगा, आप बोलेंगे ट्रांसलेट करके हमको बता देगा, काम आसान हो गया। आप क्या कह रही हो, मैं समझ गया, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ गए, क्लियर है। तो वैसे कंप्यूटर भी होता है, क्योंकि मेरा भाषा अलग है, कंप्यूटर का भाषा अलग है, कि दोनों को जोड़ने का जो काम करता है, समझने योग्य भाषा में जो बदलने का काम करता है, सबसे पहला जो करता है वो कीबोर्ड और माउस करता है। हाँ हाँ, क्योंकि बिना इसका कोई ऑपरेटर कोई काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। और ये सभी डिवाइसेस किससे जुड़े होते हैं, हमारे सीपीयू से जुड़े होते हैं, सीपीयू से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये क्या है, सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, मतलब सारा कार्य यही करता है। अगर ये चलेगा तो सब चलेगा, काम करेगा, नहीं चलेगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा। मतलब मेन कंट्रोल यही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से देखिए कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम बताया जा रहे हैं, क्या क्या, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, इटिस, और भी बहुत सारे हैं। समझे, कुछ हम नाम बताएं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, इटिस, और भी बहुत सारे आ सकते हैं, वो भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लासेस में। चलिए, तो सबसे पहले और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और क्या कहा जा रहा है इसके बारे में जान लेते हैं। अब फिर से बताया जा रहा है कि व्हाट इज डाटा, मतलब डाटा क्या होता है। मतलब अभी तक तो इनपुट डिवाइस के बारे में जानते थे, अब डाटा क्या होता है इसको समझना जरूरी है। तो देखो, बताया जा रहा है कि डाटा रॉ फैक्ट एंड फिगर, मतलब डाटा क्या है, ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े हैं, फिगर हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। मतलब रॉ डाटा फैक्ट एंड फिगर बोलो सर, है ना, मतलब रॉ डाटा का मतलब ऐसा डाटा जिसका रिक्वायरमेंट है कि उसमें प्रोसेसिंग किया जाए। क्या किया जाए, प्रोसेसिंग। जैसे हमने लिख दिया ए इक्वल टू, जैसे हम लिख दिया ए इक्वल टू, इसमें बोलेंगे ए, इसको कहेंगे इक्वल, ये कहेंगे टू, लेकिन इसको ऐसे लिख दे तो ए इक्वल टू तो ए बराबर 2 है, समझे। लेकिन पहले धीरे धीरे हमने क्या किया, इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके तब तो ऐसा चेंज किया,
ही बोला जाता है कि रा फैक्टेन फिगर, मतलब जो हमारा क्या है ए इक्वल टू ए रा फैक्टेन फिगर, जिसका इस्तेमाल करके लोग क्या करते हैं एक इन्फॉर्मेशन तैयार करते हैं। क्या करते हैं जी? एक इन्फॉर्मेशन करते हैं। फिर से देखो बताया जा रहा है कि डाटा इज क्या है, अनअरेंज, ठीक है, अनऑर्गेनाइज फैक्ट। मतलब क्या है? मतलब एक ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े हैं यार, ठीक है, जिनका इस्तेमाल करके हम लोग को क्या करना होगा, बोलिए, इंफॉर्मेशन चेंज करना होगा, ठीक है। मतलब जो भी रहा डाटा होता है ना, उसको क्या करते हैं, उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करना होता है। तो ये बोला गया है कि जो रहा डाटा होते हैं अनअरेंज, मतलब कुछ इसका अरेंजमेंट नहीं होता है, इधर उधर रहते हैं, इक्वल इधर, टू इधर, ठीक है, फाइव इधर। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का नाम हो गया, उसके फादर का नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, तो सब अलग अलग है ना, नाम अलग, फादर नेम अलग, एड्रेस अलग। नहीं इन्फॉर्मेशन दीजिए तो क्या करते हो, सबको इकट्ठा करते हो, नाम, फादर नेम, एड्रेस, तो बताते हो राम राहुल है, फादर नेम मोहन है और पटौना के रहने वाले, समझे ना। मतलब अव्यवस्थित होते हैं, ठीक है। उसके अंदर देखो बताया जा रहा है कि द रा डिटेल दैट नीड टू बी प्रोसीड टू जनरेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। मतलब द रा डाटा, मतलब रा डाटा का क्या होता है, नीड होता है टू बी प्रोसीड किया जाए, प्रोसेस किया जाए टू जनरेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। मतलब रा डाटा को प्रोसेस करके क्या किया जाए, एक यूजफुल, मतलब जिसका प्रयोग हम कर सके, इंफॉर्मेशन में चेंज किया जाए, समझे। मतलब रा डाटा का मतलब समझ जाओ, सिंपल शब्द में कहा जाए वह ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, जिसका इस्तेमाल वो फ्यूचर में कर सके। अब कह रहा है काइंड्स ऑफ डाटा। अब डाटा के कितने टाइप्स हैं, तो देखिए बताया जा रहे हैं, टेक्स्ट डाटा, ग्राफिक डाटा, पिक्चर डाटा, मूवी डाटा, साउंड डाटा, वीडियो डाटा, ऑडियो डाटा। क्या मतलब है? आप बताइए, क्या केवल डाटा ऐसे ही मिलेगा क्या आपको? डाटा कैसे किसे मिल सकता है? ग्राफिक्स, ग्राफिक्स नहीं, जैसे ये ग्राफिक्स इमेजेस जो है, जैसे आप लोग बैनर देखते हैं छपता है, ठीक है ना, वो क्या है, ग्राफिक्स इमेजेस, समझे, वो भी एक प्रकार क्या है, रा डाटा। पिक्चर पता है, मूवी डाटा, मूवी जो फिल्म वीडियो से रिलेटेड, उसके बाद साउंड डाटा, ऑडियो से रिलेटेड, जैसे हम लोग गाना वाना सुनते हैं, वो तो गाना एक ही बार बन जाता होगा क्या, नहीं, छोटा छोटा क्लिप, एक गाना बनाने में 5 मिनट का गाना बनाने में 1 महीना लगा देते हैं, तो समझे, छोटा छोटा क्लिप बनता, तो रा डाटा होता है, और एक बड़ा सा 5 मिनट का एक गाना बन जाता है, टोटल गाना का मतलब पता चलता है। और बताइए फिल्म जो बनता है, जो मूवी चलते हैं, क्या एक ही दिन बन जाता है क्या, 4 साल 5 साल लग जाता है, छोटा छोटा एक एक मिनट, दो दो मिनट, एक एक मिनट, दो दो मिनट रिकॉर्डिंग होता है, और चल के 2 साल के बाद रिलीज होता है, तो एक फिल्म चलता है पूरा। अगर थोड़ा थोड़ा दिखाएं समझ में आएगा, नहीं, मतलब जो डाटा हो सकता है, टेक्स्ट डाटा हो सकता है, मतलब ऐसे, ठीक है, वो पिक्चर के रूप में हो सकता है जी, तो लिखे। जैसे इसका मतलब है एक डाटा है, रा डाटा इक्वल एक डाटा, टू एक डाटा है, अगर इसको ऐसे लिख दे इक्वल टू या टू इक्वल ए, लेकिन इंफॉर्मेशन में चेंज हो रहा है, मतलब ए के बराबर 2 या 2 के बराबर 1, समझे। अगर ऐसे इसी को लिख दे तो मतलब है इसका नहीं, लेकिन इसको सही से लिख दे तो हाँ ए के बराबर 2 है या 2 के बराबर ए, समझा। हाँ मतलब ये इंफॉर्मेशन है या रा डाटा है, मैंने आपसे पूछा आप अपना इंफॉर्मेशन बताइए, तो क्या केवल आप नाम बता देंगी, ठीक है, रानी नाम है, तो क्या हम इंफॉर्मेशन पता चल गया आपको, नहीं, रा डाटा है, काला रा डाटा, रानी मिल गया नाम, ठीक है। अब दूसरा रा डाटा फादर ने बताइए, तो मोहन मान लीजिए नाम, तो मोहन हमको पता चल गया फादर ने, ये भी रा डाटा है। अब धीरे धीरे सारा पता कर लो, छोटे 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 जी, रा डाटा से इंफॉर्मेशन बनते, कहते नहीं इसका सूचना दीजिए,
सूचना कैसे देते हैं, तो धीरे 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 उसके बारे में जानते हैं, तो डिटेल में बताते हैं, इसका पूरा डिटेल ले जाए, समझ गए ना। इसे बोलते हैं रॉ डाटा और इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन मिलता, सूचना मिलता हमको, और रॉ डाटा मतलब उसका रिक्वायरमेंट है कि बाबू इसको प्रोसेस करके सही से रिजल्ट निकालिए। क्लियर है, बोलिए। तो यह मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया है, क्या होता है डाटा, क्या होता है। अब देखिए, अब फिर से देखिए, अब कहा कोई पूछे व्हाट इज इनपुट, इनपुट क्या है, ठीक है। तो देखो बताया जा रहा है, टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट, टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट मतलब क्या है, कंप्यूटर को जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, ठीक है। फिर से बताया जा रहा है, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, यह प्रथम कार्य होता है, फर्स्ट कार्य होता है किसका, कंप्यूटर का। जैसे ये कंप्यूटर हमारा है तो सबसे पहले कुछ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी करेंगे माउस या कीबोर्ड से, तो पहला ये कार्य, मतलब जब तक ये कार्य करेंगे नहीं ना तब तक कंप्यूटर में कुछ होने वाला नहीं है। इसे बोला जा रहा है दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, यह फर्स्ट कार्य जी कंप्यूटर का, सबसे पहले करना क्या होता है, डाटा को इनपुट करना होता है, तब तो प्रोसेस होता है, तब हमको रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लो आपको कोई बात करना है तो सोचले क्या करें, नंबर मिलाएंगे ना, तो इनपुट किए डाटा, तब तक क्लिक किए, तब प्रोसेस होता है, तब आप लोग फोन उठा लेते हैं, बातें कर लेते हैं। वैसे हमको कुछ लिखना है, जैसे आपका नाम लिखना है, तो पहले लिखेंगे, यहाँ से इनपुट करेंगे तब तो ऊपर दिखाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे, प्रोसेसिंग हुआ यहाँ पे, आएगा यहाँ, समझे ना। तो दिस इज फर्स्ट ऑपरेशन, या फर्स्ट कार्य कंप्यूटर का, सबसे पहला कार्य यही है कि डाटा को इनपुट कीजिए। अब जैसा इनपुट करेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा आपको, गलत करेंगे तो गलत मिलेगा, सही करेंगे तो सही मिलेगा। मतलब कंप्यूटर ऐसा मत कहना कि कंप्यूटर गलती नहीं करता, गलती हम करेंगे तो कंप्यूटर भी गलती करेगा, सही हम करेंगे तो कंप्यूटर सही करेगा, क्योंकि कंप्यूटर सोचने समझने की क्षमता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा रिजल्ट हमको देंगे। क्लियर है। उसके बाद से देखिए कहा जा रहा है, इनपुट डिवाइसेस, सिंपल से तो बताया जा रहा है कि डिवाइसेस दैट हेल्प टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर, मतलब इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, ये तो इनपुट था, व्हाट इज इनपुट, लेकिन डिवाइसेस कोई पूछे इनपुट डिवाइसेस, तो हमने बताया ना कि जिस माध्यम द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या आदेश दिया जाए उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, या अगर सिंपल से तो बोलना है तो बोल सकते हो कि डिवाइसेस दैट हेल्प टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर, मतलब वो सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए क्या करें, हेल्प करें, उन डिवाइसेस को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट को हम लोग लिखने से कंपेयर कर सकते हैं क्या, क्या लिखने से, मतलब जैसे इनपुट जो डिवाइसेस हैं जी वो कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम लोग डाटा जो यूज करते हैं, यानी मान लीजिए कि इनपुट का वास्तविक वाली इनपुट कहते हैं कि और शब्द में क्या है। देखिए इनपुट का मतलब यह है इन मतलब में, पुट मतलब रखना, समझे ना, इन मतलब में, पुट मतलब रखना, मतलब कंप्यूटर में कुछ भी रखना होता है, मतलब रखना मतलब क्या है, कुछ देना है, कुछ काम करने है, तो इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है, समझे ना। मतलब इनपुट एक डिवाइस है जिसके सहारे आपको क्या करना होगा, कुछ लिखना पड़ेगा, वही तो मैंने लिखवाया आपको, ये लिखना पड़ेगा आपको, पूरा छापना है, लिखिए तभी घर पे है।